हेलो खमागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह, और ये है हमारे पुष्पेंद्र सिंह, और ये हमारी कैनिशा राजा मैत, और ये है गुंजू भाई साहब। सब लोग कर दो यार, खमागणी तो कर दो। हाय हाय कि भी आप भी कर दो, हाय कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। हाय नहीं करेगी, जब इसको बोला तब ये कुछ नहीं करेगी। तो फाइनली हमारे घर में जिसका बहुत टाइम से इंतजार था, जिसके लिए मम्मी पापा हुकुम कनाडा गए थे, वो गुड न्यूज आ गई है। भाभी साहब हुकुम को क्या हुआ है मैं ये नहीं बताने वाली हूँ अगेन, क्योंकि थोड़ा सा तो सस्पेंस बनता है। बट हाँ, सहकुशल अच्छे से डिलीवरी हो गई है और बेबी आ गया है और वो घर पे भी आ गए हैं। तो अब आपको इस व्लॉग में वेलकम भी देखने को मिलेगा जो बेबी का हमने किया है, प्लस बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ये भी मैं बहुत जल्द बताऊंगी, डोंट वरी। और बेबी का फेस भी दिखाऊंगी कि कैसा है, सब कुछ आपको बताएंगे। क्यों लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं सरप्राइज देने के लिए हिमादी के घर पे, जैसे कि आप लोगों ने एक दो व्लॉग में देखा भी होगा। हाँ बिट्टू है ना, हिमादी के मैं घर जाती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना हिमादी को सरप्राइज दे दिया जाए, क्योंकि हिमादी शिवानी दी है ना, सब लोग वहीं बैठे हैं, तो क्यों ना उनको सरप्राइज दे दे हम, है ना कि वो है ना, अचानक से पहुंच के सरप्राइज कर दे अपन। तो चलो, और हुकुम देखो हमारे कैमरामैन बने हुए हैं, कैमरामैन नहीं सॉरी लाइट मैन। अंदर रोक सकते हो गाड़ी, आप ले जा सकते हो अंदर गाड़ी, ठीक है। तो पहुंच गए हैं हम हुकुम, चले। और हमारी कीवी कीवा रानी सो चुकी है, तो हम लोग ना पहुंच तो गए और कीवी हमारी रास्ते में सो गई है। अब जाते हैं ऊपर और देखते हैं हिमादी और क्या कर रहे हैं, हिमादी सरप्राइज तो हो जाएंगे। ऐसे मेरे उनसे फोन पे बात हो रही थी, थोड़ा सा क्या पता उनका आइडिया लग जाए। तो चलो दी को सरप्राइज देने के लिए ऊपर चलते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, वैसे हम लोग घर से निकले ही 9:15 बजे थे आई थिंक ना, तो टाइम तो काफ़ी हो गया था। पर हाँ, उनसे मिलने का मेरा बहुत मन करता है। और हुकुम पता है इतना स्पीड से चले, हम लिफ्ट से आए और वो सीढ़ियों से आए थे, वो थर्ड फ्लोर पर चले गए थे, फिर वो वापस नीचे आए क्योंकि समझ में आया कि नहीं मैं गलत फ्लोर पर आ गया हूँ। चलो चलते हैं अंदर क्या होता है, गेट तो खुला ही है, मतलब मुझे बेल बजानी नहीं पड़ी, देखते हैं। कोई भी नहीं है क्या इस घर में? तो ये होती है किस्मत कि किसी एक दोस्त से मिलने जाओ और बाकी सब मिल जाए। तो यहाँ पर अक्षय भी था और फिर शिवानी दी को कॉल किया, वो भी आ गए थे, और हिमादी यहाँ पर सर से बात कर रहे थे अपने हस्बैंड से, हम उन्हें छेड़ ही रहे थे कि क्या बनाए खाने में, तो हिमादी बोल रहे थे कद्दू बनाए कद्दू, तो वो बोल रहे थे सुबह लौकी बनाई, अब कद्दू मतलब क्या ही खिला रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाना खा ही लो। और ये है हमारा जानू, जिसको बोलते हैं जेनू जानू, उससे मैं आपको मिलवाती हूँ। पूरा पूरा बेटा बाद में खेल लेना, मोबाइल तो यही रहने वाला है। ये वाला तो मैंने भी बहुत खेला है, पता तुझे बहुत अच्छा सारा। तू चाहे तो मैं एक तेरे साथ गेम लगा सकती हूँ, कौन अच्छा खेलता है। डन, चलो ठीक है। सही में हाईएस्ट कितना स्कोर था? 5 लाख। इतने तो मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं बेटा। जितना तेरा स्कोर था, कोई बात नहीं। आंटी मेरा हाईएस्ट स्कोर तो पैसे तो काउंट करो, टोटल चलो तो फिर लाइन है और फुल हाउस अर्ली फाइव है। अंकल मैं बस आपकी वीडियो बना रहा हूँ भैया, मैं तो खेल रहा हूँ। अंकल कहाँ जा रहे हो आप? कर सकते हैं, मुझे कर दो मुझे।
मैं और गुंजन भाई साहब ब्लू ब्लू है आज हम लोग सेम बन के घर से जा रहे हैं क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं जिस फंक्शन में जा रहे हैं वहाँ की थीम है पिंक और ब्लू। मुझे नहीं पता उस थीम को सब लोग कितना फॉलो करेंगे। गर्ल्स के लिए पिंक था और बॉयज के लिए ब्लू था, बट हमने बॉयज वाला ले लिया है, दोनों ने हमने ब्लू पहन लिया है। हाँ गुंजन भाई साहब, यस हमने ब्लू पहना तो चलो चलते हैं। क्या फंक्शन है क्या नहीं है सब कुछ आपको आगे जाके बताएंगे। तो फंक्शन में हम पहुंच गए, हमने बहुत इन्जॉय भी किया और बहुत अच्छी वाइब थी उस फंक्शन की। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लंच किया, फिर घर के लिए निकले क्योंकि क्यू के लिए फ़ोन आ गया था, वो रोने लग गई थी। हुकुम उसके पास ही थे और लंच बहुत अच्छा था, बाय गॉड बहुत अच्छा था। फिर हम घर आए और घर पे आके वीडियो कॉल कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमारा जो बेबी हुआ है उसको लेकर भाभी साहब हुकुम हॉस्पिटल से घर आ गए और दादा हुकुम ने उनके वेलकम के लिए कुछ छोटी मोटी प्रिपरेशन करी है। तो वो जो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं जो दादा ने शूट किए हैं वो मैं उनसे मंगवा रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपको दिखा देती हूँ कि कैसे वेलकम किया, गुड़िया क्या कर रही थी हमारी बेबू और दाता ने क्या किया, पापा को हमने थाली बजाई, मम्मा ने मस्त राजपूती सूट पहन के वेलकम किया। हाँ मामा भाभी साहब को ले आओ, सही कह रहे हैं, बहुत देर हो गई, गाड़ी में से ले आओ पहले। हम क्योंकि वहाँ पर नहीं है तो जो भी कनाडा में हो रहा था वो हमने वीडियो कॉल के थ्रू ही अटेंड किया और दादा पहले हॉस्पिटल से घर आए थोड़ा जल्दी, उन्होंने खुद से ही जो भी वहाँ पे उनके पास आर्टिफिशियल जो भी माला थी वो उन्होंने लगाई और थोड़ा सा घर ऐसे डेकोरेट किया, फिर पूजा की थाली भी सजाई और इस तरह से देखो नीचे भी उन्होंने वेलकम के लिए लगाए, फूल वूल लगाए, दिया भी जलाया। और ये हमारी बेबू प्यारी सी छोटू सी वो भी वेट कर रही है नए बेबी का वेलकम करने के लिए, वो भी रेडी हुई है। और हम सोच रहे हैं कि उन्हें वीडियो कॉल को ना टीवी में चला लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिखा पाऊंगी। बेबी का फेस अभी नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा मैं ब्लर कर दूंगी बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट लेना चाहिए, बच्चे को एकदम से ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। तो जब भी मामा हुकुम बोल देंगे मुझे कनाडा से तब मैं आप सबके साथ बेबी के पिक्चर्स भी शेयर करूंगी कि हमारा बेबी कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है, जो भी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डो वरी, थोड़ा तो सस्पेंस बनता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। छोटा बेबी आ गया, देखो 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 कीवी, देखो छोटा बेबी आ गया ना, देखो छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी आ गया, क्यों आप भी दिख रहे हो, देखो 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 छोटा बेबी आ गया, क्यों अपन भी दिख रहे हैं, छोटा बेबी आ गया, छोटा बेबी ये छोटा बेबी आ गया, क्यों भी देखो छोटा बेबी आ गया, छोटा बीबी आ गया, छोटा बीबी आ गया, देखो छोटा बीबी थाली बजेगी की भी, देखो थाली बजेगी ये, ये दादू थाली बजा रहे हैं की भी, ये देखो दर्शक बैठे हैं सब कीवी दो फोन में शूट कर रहे हैं। हाँ हाँ पानी दिख गया। तो कनाडा में हमारे बेबी हो गया और इस खुशी में हम पटाखे लेकर आए हैं, पटाखे बजाएंगे। अरे क्या हुआ? ये नहीं बताएंगे हम अभी क्या हुआ, पहले पटाखे बजाएंगे। मैं हिम्मत दिखा रही हूँ पहली बार सूतली बम फोड़ने का, मुझे डर लगता है। अरे भैया आ गया क्या, हमने क्या हुआ बोलो, क्यों होगा, मुझे डर लग रहा है, ऐसे नहीं होगा मुझसे नहीं हो रहा। हमारे पटाखे तो दे जा, पटाखे दे दो लाओ, क्यों पापा आराम से भागना, कि बम में भी आवाज आएगी, बम ये गुंजा ये
हुकुम आप फिर से काकू बन गए। तो ये जो क्यू का ख्याल रखने के लिए रहती है हमारे साथ पूजा, पूजा जी का बेटा है ये। आप लोग शायद पहले भी ब्लॉग में देख चुके हो, जो हमारे पहले से साथ में है, बीच में वो चले गए थे बट वापस से हमारे रिक्वेस्ट पे आए हैं। और ये मेरे क्यू को, तो मैं इन दोनों को ही लेकर आई हूँ घूमने के लिए ना। क्यू इन दोनों को मैं गार्डन में लेकर आई हूँ। और हेयर कलर का इफेक्ट आप देख लो, हेयर कलर दिख रहा है, ऐसी बात नहीं, अच्छा लग रहा है हेयर कलर जो है, मतलब एक अलग सा फील तो मुझे आ रहा है, जब भी कुछ स्टाइल करूँगी तो अच्छा लगेगा। तो बस मैं भी इन दोनों बच्चों के बहाने गार्डन आना शुरू हुई हूँ, वरना तो मेरा आना ही नहीं होता है, ऑफिस जाने लगा। और मैं ये क्या देख रही हूँ, क्यों के पापा भी आ गए। हुकुम की भी पापा आ गए, पापा 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 आ गए। तो आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया है तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐसे ही व्लॉग्स को एंजॉय करते रहिए, और नेक्स्ट व्लॉग में क्या होगा उसका वेट करिए। टेक